चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूं आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो। जी हाँ, हमारे जो वीडियोस होते हैं, देयर इज ओनली वन एम। आप जब कोई डिवाइस लेने का सोचते हो, यू शुड मेक द परफेक्ट डिसीजन। बस इसी के लिए हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। आज का जो वीडियो है दोस्तों, उसमें मैं आपको बताने वाला हूं सबसे अच्छे स्मार्टफोन 20,000 रुपए के नीचे। अब हम जब रैंकिंग करते हैं, देयर इज अ डिस्क्लेमर, जब हम रैंकिंग करते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने जो फर्स्ट नंबर पे कहा वो आपके लिए परफेक्ट फोन है। उसके लिए आप हमारा वीडियो देखिए, परफेक्ट स्मार्टफोन बाइंग गाइड। जी, उसमें आपको पता चलेगा कि आप सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हो। किसी किसी को बैटरी की जरूरत होती है, किसी को परफॉर्मेंस की, किसी को कैमरा की, उस हिसाब से देखिए। बेसिकली वी रैंक बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस, एंड मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम परफॉर्मेंस को देते हैं और फिर बाकी सब चीजों को, तो उस हिसाब से हम रैंक करते हैं। लेकिन दोस्तों, रैंकिंग के बारे में बताने से पहले, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। There is a minimum criteria दोस्तों। जी हाँ, जो उसके नीचे अगर कोई भी फोन होगा तो हम इस लिस्ट में वो इंक्लूड नहीं होगा। FHD plus स्क्रीन कम से कम होनी चाहिए, 48 मेगापिक्सल कम से कम, और क्वाड कैमरास भी होने चाहिए। उसके बाद में 4000 मिली एम्पीयर की बैटरी होगी कम से कम, फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए, एंड कम से कम 7 सीरीज का तो प्रोसेसर होना चाहिए। 20,000 के नीचे, 15 से 20,000 तक आप दे रहे हो पैसे, कम से कम 7 सीरीज का प्रोसेसर होना चाहिए। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया दोस्तों। पांचवें नंबर पे आता है एक फोन, नहीं दो फोन, लेकिन वो एक ही है। मैं बात कर रहा हूं अभी अभी जो लॉन्च हुआ है, पोको का पोको M2 Pro या फिर रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। जी हाँ, हमने क्या किया हुआ है, मिनिमम 6GB 128GB, इसमें 4GB वेरियंट वगैरह भी आते हैं जो सस्ते हैं, बट अंडर 20 के लिए कम से कम 6GB एंड 128GB होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन Redmi Note 9 Pro Max लोगे आप तो उसमें 64GB वेरिएंट आता है, जो Poco M2 Pro है उसमें 128GB वेरिएंट आता है, और इसीलिए पांचवें नंबर पे है। और वही दोस्तों, 720G प्रोसेसर है Navic के साथ वगैरह, 6GB RAM, 128GB स्टोरेज, क्वाड कैमरा पीछे की तरफ, फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं है, लेकिन बड़ी स्क्रीन मिलते हैं आपको 6.67 इंच की FHD प्लस दोस्तों। एंड बैटरी, जी हाँ, बड़ी बैटरी है, 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी आती है विद 33 वॉट फास्ट चार्जिंग। दोनों में सिर्फ 20 मिली एम्पीयर का डिफरेंस है, Redmi Note 9 Pro Max एंड Poco M2 Pro, एंड एट 16999 आई थिंक डेफिनेटली इट इज एट नंबर 5, एंड यू कैन चूज Redmi Note 9 Pro Max ऑल्सो, दोनों में से कोई भी ले लीजिए दोस्तों। चौथे नंबर पे आता है Moto One Fusion Plus। यू नो, आई रियली लाइक दिस फोन टू बी ऑनेस्ट, मतलब चौथे नंबर पे आता है, फिर भी देर आर सो मेनी थिंग्स टू लाइक अबाउट इट। एक तो आपको अगर Motorola का चाहिए, मतलब Xiaomi, Realme, इन लोगों का नहीं चाहिए, और आपको दूसरा कोई चाहिए, तो Motorola इज अ ग्रेट ऑप्शन। दूसरा, पॉपअप कैमरा आता है, बहुत सारे फैंस हैं पॉपअप कैमरा के, तो इसमें पॉपअप कैमरा आता है, एंड स्टॉक UI, स्टॉक एंड्रॉइड आता है, एंड 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी है। प्रोसेसर के मामले में भी दोस्तों 730G है, सो इट इज स्लाइटली बेटर देन 720G। सो ओवरऑल अगर पैकेज की तरफ देखा गया तो Motorola One Fusion Plus जो है बहुत अच्छा फोन है, हमारी लिस्ट में आता है चौथे नंबर पे। और दोस्तों, जो भी फोन्स मैं आपको बता रहा हूं, सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है Realme 6 Pro, एंड द बिगेस्ट थिंग इज दैट इट हैज गॉट अ फास्ट रिफ्रेश रेट। 6.6 इंच का FHD प्लस IPS डिस्प्ले है विद 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट। सो जो मैंने पहले दो बताए, पांचवें नंबर पे और चौथे नंबर पे, देवर 60Hz, दिस वन इज 90Hz, और बाकी के स्पेसिफिकेशंस के पास भी आप देखोगे तो अच्छे हैं। 30W का फास्ट चार्जिंग भी आता है, 720G प्रोसेसर है इसके अंदर, पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरास है, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो भी है, सो इट्स अ वेरी गुड वर्सेटाइल कैमरा सेटअप। Realme 6 Pro मेरे हिसाब से डेफिनेटली मेरी लिस्ट में आता है नंबर 3 के ऊपर, एंड Realme UI दोस्तों, इवन OS, Realme UI इज मच इंप्रूव्ड वन, इसलिए उसके पास आप जरूर देख सकते हो। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो फोन है, नियरली एक साल पहले लॉन्च हुआ था, अभी भी दूसरे नंबर पे। जी हाँ, उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ गई है पहले से कुछ 1,500 से, बट Realme X2, यस, Realme X2 स्टिल इन माय बुक इज ऑन नंबर 2। व्हाई? क्योंकि इस पांच फोन्स में से सिर्फ इसी में है दोस्तों एमोलेड स्क्रीन, 6.4 इंच की FHD प्लस एमोलेड स्क्रीन है, एंड 6.4 इंच होने की वजह से थोड़ा छोटा है, सो इट इज अ मैनेजेबल साइज। ये जो 6.5 के ऊपर के होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, उतना ही नहीं, 30W का फास्ट चार्जिंग है, एंड 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप भी आता है इसमें। और अगर आगे की तरफ भी देखते हो दोस्तों, आपको सेल्फी में 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। ओवरऑल डेफिनेटली विद दैट एमोलेड, आई थिंक अगर आपको एक एमोलेड फोन चाहिए 20,000 के नीचे, Realme X2 शुड बी योर चॉइस, एंड दैट्स व्हाई इट्स
ऑन आवर लिस्ट और नंबर टू। और दोस्तों जो पहले नंबर पे आता है वो है पोको एक्स टू, स्पेशली बिकॉज ऑफ प्राइस। जी हाँ, 18,500 का है एज कंपेयर टू सेकेंड नंबर पे जो है वो 20,000 का है 19999, 1,500 से कम है। एमोलेड नहीं है दोस्तों, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले है दैट इज 120 Hz फास्ट रिफ्रेश रेट वाला, 4,500 mAh की बैटरी है, 27W का फास्ट चार्जिंग है, 730G प्रोसेसर है, 64MP के क्वाड कैमरा सेटअप है पीछे की तरफ, आगे भी आपको 20+2 का डुअल पंच होल कैमरा सेटअप मिलता है। सो अगेन लाइक आई सेड एट द स्टार्ट, ये जो है 20,000 के नीचे कंप्लीट फोन अगर आपके आप देख रहे हो तो डेफिनेटली इसके पास देख सकते हो, या फिर एमोलेड स्क्रीन चाहिए आपको तो दूसरे नंबर का जो रियलमी एक्स टू है वो देख सकते हो। इट इज इंटरेस्टिंग दोस्तों, कुछ 6 महीने पहले मैंने वीडियो किया था, उसमें भी अंडर 20,000 यही दोनों टॉप पे थे, आज भी यही है। What does that mean? 20,000 के नीचे अच्छे फोन्स अभी जो आ रहे हैं इतने अच्छे नहीं है। जी हाँ, पोको M2 Pro फॉर एग्जाम्पल अभी जो लॉन्च हुआ है, मेरे हिसाब से इट इज एट नंबर 5। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि डू यू अग्री विथ माई रैंकिंग, क्योंकि हमने बहुत सोचा ऊपर नीचे कि भाई कौन एक पे होना चाहिए कौन दूसरे पे होना चाहिए, बट ओवरऑल अगर देखा गया तो टॉप में पोको X2 एंड रियलमी X2 डेफिनेटली दोनों ही है। वैसे दोस्तों टॉप 5 में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर एक सैमसंग का फोन चाहिए तो मेरे हिसाब से एक मिड रेंज में सैमसंग M31 इज अ रियली गुड चॉइस। दोस्तों उसमें एमोलेड स्क्रीन तो आती है, लेकिन 6,000 mAh की बैटरी है। द वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज नॉट इज 9611 प्रोसेसर, विच मेरे हिसाब से अगर आप 720G के साथ भी कंपेयर करते हो तो इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि 6 नंबर पे। बट बड़ी बैटरी आपको चाहिए और एमोलेड स्क्रीन चाहिए, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है, डेफिनेटली यू शुड लुक एट सैमसंग M31। और हाँ, जैसे पहले बताया दोस्तों, जी हाँ, आपको अगर खरीदने हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जरूर जाके देख सकते हो। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।